इश्क मोहब्बत के लिए ना कोई सरद होती है और ना ही कोई सही या गलत। क्राइम की दुनिया में आज दो सबसे अजीज नाम एक होने जा रहे हैं। ऐसे दो लोग जिन्होंने एक समय में क्राइम को अपनी जिंदगी बना ली थी और हथियारों को अपना दोस्त। मैं बात कर रही हूँ अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेड़ी की। राजस्थान के आनंदपाल गिरोह की सदस्य रही अनुराधा चौधरी लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। अपराध की दुनिया में 15 साल तक रहने के बाद अब अनुराधा चौधरी शादी के बंधन में बंधने जा रही है। दिल्ली में आज यानी 12 मार्च को होने जा रही इस शादी पर चार राज्यों की पुलिस के साथ साथ कई केंद्रीय जाँच एजेंसियों की भी उन पर खास नजर है। अनुराधा की शादी कुख्यात अपराधी संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ होगी। एक इंटरव्यू के दौरान अनुराधा चौधरी ने अपने 15 साल के क्राइम रिकॉर्ड का शुरुआत से लेकर अब तक का जिक्र किया है। उन्होंने अपने और संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ रिलेशन का खुलासा किया कि किस तरह से वो एक दूसरे से मिले थे। अनुराधा चौधरी ने खुद पर और संदीप पर लगे तमाम आपराधिक आरोपों को लेकर कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं। इंटरव्यू के दौरान अनुराधा चौधरी ने द्वारका कोर्ट के एक जज के प्रति भी आभार जताया जिन्होंने उनको अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में लौटने में सहयोग किया। अनुराधा ने हत्या के मामले से जुड़े संदीप उर्फ काला जठेड़ी को लेकर कहा कि उन पर सिर्फ हत्या के आरोप लगे हैं, इस तरह के आरोप औरों पर भी लगे हैं। आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। अनुराधा ने शादी को लेकर बताया कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी की 12 मार्च को शादी के दिन के लिए 6 घंटे की पेरोल मिली है। हम दोनों की मुलाकात फरारी के दौरान हुई थी और अब संदीप भी क्राइम का रास्ता छोड़ चुके हैं और मैं भी। हम दोनों अब नॉर्मल गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं और परिवार के साथ लौटना चाहते हैं। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में दोनों की शादी होने वाली है। अनुराधा चौधरी बैंक्वेट हॉल पहुंच चुकी है और इस दौरान वो लाल रंग के सूट में नजर आईं। अनुराधा चौधरी मीडिया के सवालों से बचती नजर आईं। इसके साथ ही मीडिया से कहती नजर आईं कि उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखा जाए। आपको ये भी बता दें कि शादी में हाईटेक हथियारों से लैस स्वैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। उनके साथ 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विवाह स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों में दिल्ली की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच और हरियाणा की CIA की टीमें तैनात रहेंगी। शादी में मौजूद सभी वेटर और स्टाफ को एक स्पेशल ID कार्ड भी दिया जाएगा जिसे उन्हें समारोह के दौरान पहनकर रखना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक काला जठेड़ी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक की पेरोल दी गई है। अगले दिन यानी 13 मार्च को अनुराधा चौधरी के गृह प्रवेश की रस्में पूरी की जाएंगी और इस दौरान दोनों को हरियाणा के सोनीपत स्थित जठेड़ी गांव ले जाया जाएगा। तो क्या आपने भी ऐसे ही क्राइम की दुनिया की लव स्टोरी देखी है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।